बड़े खुशी की बात है कि जीडीपी पर कैपिटा के जो डेटा अभी आए फरवरी एंड में वो बड़े ही ऑप्टिमिस्टिक है। 2011-12 में जो इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा खाली 70,000 के करीब था, ये करीबन 2 लाख पहुंचा है। दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं करीबन 10% कगार से इंडियंस का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में 5 साल दुनिया के लिए चैलेंजिंग थे, फिर भी हमारे देश का जीडीपी पर कैपिटा 8 साल में डबल हुआ है। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है। दोस्तों पूरे देश की प्रोडक्टिविटी यानी कि जीडीपी को जब हम पॉपुलेशन से विभाजित करें तो अंदाजा आता है कि एवरेज इनकम इंडियंस के साल की कितनी होगी। अब एक तौर पे ये भी होता है दोस्तों कि वो कंट्रीज जिनकी जनसंख्या कम होती है और जीडीपी अच्छा होता है, उनका जीडीपी कम होने के बावजूद डिवाइड कम पॉपुलेशन से होने से जीडीपी का पर कैपिटा हाई होता है। जीडीपी पर कैपिटा हो सकता है बड़े जहां पे पॉपुलेशन है वहां पे विभाजन होने की वजह से जीडीपी पर कैपिटा कम हो। जैसे इंडिया चाइना ये दोनों कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा बड़ा ही लो माना जाता था, हम लो इनकम कंट्री में आते थे। दुनिया के सबसे ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग इंडिया चाइना में पाए जाते थे, पर पिछले इतने समय का तगड़ा ग्रोथ जो चाइना ने किया वो ज्यादा लोगों को सफल रहा बिलो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल के लोअर या अपर या मिडिल क्लास में ले जाने में। दोस्तों ठीक वही दोस्तों भारत में हो रहा है। आपने पिछले साल का अगर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखा हो तो हम सफल हुए हैं दोस्तों अत्यंत गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालने में। और ये 10% का जो जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों ये बताता है कि इनकम इंडियंस की बढ़ रही है। अब दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा की जो हमने बात की कि बढ़िया ग्रोथ किया है, क्या पहले से इतना बढ़िया ग्रोथ है? दोस्तों डेटा आपके सामने है, 1961 से 1981 तक दुनिया का जीडीपी पर कैपिटा करीबन 9% से बढ़ा था और वही समय हमारा जीडीपी पर कैपिटा खाली 6% से बढ़ा था। दोस्तों हमने बड़ा ही अंडर परफॉर्मेंस किया था वर्ल्ड के मुकाबले। ठीक उसी तरह से 1981 से 2001 तक भी दुनिया का जीडीपी पर कैपिटा भी कम बढ़ा था 3.7, पर इंडिया का उससे भी कम बढ़ा था। तो अभी दोस्तों आपके सामने चित्र है, ये 40 सालों में हमारी इनकम महंगाई से भी कम तेजी से बढ़ रही थी, इसीलिए भारत में गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी क्योंकि हमारी इनकम हम सफिशिएंट नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों 1992 के लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के जो द्वार खोले उसके बाद आप देख रहे हो दोस्तों पिछले 20 सालों में पूरा नक्शा बदल गया। दुनिया जब खाली 4.2% से बढ़ी दोस्तों, ठीक उसी समय पे हमारा भारत दुनिया से डबल तेजी से दोस्तों बढ़ा है। तो यस दोस्तों ये 20 साल इंडिया के लिए गोल्डन ईयर रहे अगर हम इसको पिछले पूरे 60 सालों से कंपेयर करें। यस दोस्तों हम 100% क्लियर स्टैंड पे कह सकते हैं कि पिछले 40 साल 2000 से पहले के 40 साल हमारा काफी अंडर परफॉर्मेंस था। हम पहले 20 सालों में 34% अंडर परफॉर्म किया, दूसरे 20 सालों में 31% अंडर परफॉर्म किया वर्ल्ड को, पर ये 20 सालों में हम 101% दुनिया से ज्यादा बड़े। यस वी आउट परफॉर्म्ड होल वर्ल्ड। दोस्तों इससे फायदा क्या हुआ? आपके सामने इंडियन और यूएस के जीडीपी पर कैपिटा के डेटा है। दोस्तों ज्यादा तौर पर हम मानते हैं कि यस अमेरिकन्स की अर्निंग हमसे बहुत ज्यादा है, सही बात है, इसमें कोई डाउट कोई दो राय नहीं है दोस्तों। लेकिन पहले कैसा था? अब हमको हमारा गोल्डन इतिहास तो पता है, पर आजादी के बाद भी ऐसा नहीं था कि ये गैप इतनी ही थी दोस्तों। 1960 में भी आप देखो तो यूएस अमेरिकन की इनकम इंडियन से 30 गुना ज्यादा थी, पर ये 1960 से लेके 2000 तक का जो 40 साल थे ये दुनिया के लिए बढ़िया थे, निराले थे, दुनिया ने बढ़िया ग्रोथ किया। ये समय दोस्तों हमने बड़ा अंडर परफॉर्मेंस किया, हमारे अंडर परफॉर्मेंस के कारण दोस्तों ये गैप बढ़ गई और यूएस की अर्निंग और हमारी अर्निंग करीबन 90 गुना का डिफरेंस हुआ दोस्तों। यही वो कारण है कि हमें दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है अर्निंग कमाने के लिए, ये गैप बढ़ने के कारण दोस्तों। लेकिन
1992 के लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के नॉर्म्स के बाद हमने देखा कि वापस इंडिया की चमक बढ़ी और पिछले 20 सालों में दोस्तों ये गैप घटके अब 90 से घटके खाली 30 रही है। ये गैप भी दोस्तों अब इस दशक में और कम होगी। ये डेटा देख के आप जरूर कह सकते हो हम 60 ईयर लो पे यूएस के मुकाबले गैप में आए हैं, जो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, राइट फ्रेंड्स। अब अगर आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हो तो आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए दोस्तों, ये जीडीपी पर कैपिटा का ग्रोथ मुझे कैसे फायदा करा सकता है। हमें सोचना चाहिए दोस्तों, लिस्ट बनाना चाहिए, अगर इनकम बढ़ती है डबल जो पिछले 8 सालों में बढ़ी है, आने वाले 5 से 8 साल में ये बढ़ सकती है, तो लोगों का स्पेंडिंग किधर ज्यादा हो सकता है। दोस्तों जब इंडिया को बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता था, क्योंकि 45% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, तब क्या कंज्यूम करते दोस्तों। आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये 45% कम होके 20% से 14 के बीच में ये फिगर चली गई है। तो इससे सीधा क्लिक होता है कि यस, बहुत सी जनसंख्या आज कंज्यूम कर रही है। अब यही जनसंख्या जब अपने आप को अपग्रेड करती है तो दोस्तों प्रीमियमाइजेशन आता है और कंजम्पशन का बूम आता है। अब सोचिए जरा, अगर एवरेज व्यक्ति 70,000 से 2 लाख कमाने लगा है तो वो कहाँ खर्चेगा। जो बेसिक नेसेसिटी इंडिया में मानी जाती थी, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी यानी ये नहीं कि मैं रोज रेस्टोरेंट में खर्चे कर रहा हूँ, रोटी यानी बेसिक खाने की चीजें, कपड़े यानी अगेन आज की तारीख में जो हम कपड़े कहते हैं वो कपड़े नहीं दोस्तों, अंग ढकने के लिए कपड़े जो बेसिक माने जाते हैं वो कपड़े कहते थे, रोटी कपड़ा और मकान। आज ये तीनों की परिभाषा बदल गई है। आज रोटी यानी यस, आज रेस्टोरेंट्स पे लोग बड़ा स्पेंडिंग करते हैं। आज दोस्तों लोगों की चॉइसेस बढ़ चुकी है, पहले जितना खर्चा ये बेसिक चीज पे करते थे उससे ज्यादा करते होंगे। तो रोटी पे भी जो आज की नई रोटी है, हो सकता है वो पिज्जा में कन्वर्ट हुई हो सकता है वो प्रीमियम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हुई हो, क्या उसके बिजनेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे दोस्तों, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इनफैक्ट कपड़ा। आज के कपड़ों की खरीदी को पहले से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जब पहले कपड़े खरीदे जाते थे बेसिक नेसेसिटी के लिए दोस्तों, कपड़े खरीदे जाते थे साल में सिर्फ एक बार जब शादी होती है या कोई प्रीमियम फंक्शन पे। आज दोस्तों कपड़ों की खरीदी जस्ट वहीं आप घूमने निकले, अच्छे कपड़े लगे आपने ले लिए, दोस्तों कपड़ों पे कॉस्ट और ज्यादा लोग स्पेंड कर रहे हैं। चाइना अगर हम आज देखें वो हमसे ज्यादा 5 गुने कपड़ों पे स्पेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम हमसे 5 गुनी ज्यादा हो गई। अब हमारी इनकम अगर दुगनी हुई है पिछले 8 सालों में, अंदाजा लगाओ क्या आपने रोटी हो कपड़ा हो अपना स्पेंडिंग ज्यादा किया है कि नहीं किया है। अब सेक्टर सोचो जरा, कौन से सेक्टर का इसको लाभ हो सकता है। इसके अलावा तीसरी चीज थी दोस्तों मकान। तो ये पहले की तरह मकान है क्या कि मुझे खाली रहने के लिए मकान मिल गया, काम हो गया। अब मकान में लग्जरी होती है, अब मकान में और बहुत सी चीजें हम लेते हैं। क्यों? इनकम ग्रोथ। दोस्तों अंदाजा लगाइए, अब आज का अगर आप मकान देखो लोग कहां पे स्पेंड करते हैं, कहां पे और करेंगे, क्योंकि ये आज की 2 लाख की इनकम आपको पता नहीं चलेगा ये 4 लाख पहुंचने वाली है। तो अब जरा सोचो कौन से सेक्टर को इसके फायदे हो सकते हैं। मैंने जो आपको रोटी की बात बताई, क्या पैकेज फूड को फायदे हो सकते हैं? पैकेज फूड यानी आप आशीर्वाद आटा गिनो ITC का, या जैसे टाटा कंज्यूमर ऑटो पे फोकस कर रही है, तो आटा बिस्किट वगैरह वगैरह ऐसी कई चीजें पैकेज फूड में चाहिए होगी। पैकेज फूड भी है प्रायोरिटी सेक्टर। उसके साथ दोस्तों अगर आप बेवरेजेस देखो वो भी क्यों ना हो आपका प्रायोरिटी सेक्टर, राइट। इसी रोटी में आप रेस्टोरेंट देखो क्यों ना हो प्रायोरिटी सेक्टर। दोस्तों ध्यान से लिस्ट बनाओ कि यहां पे ग्रोथ मिलेगा। कपड़ों की बात हुई, क्या एपरल्स की कंपनी, क्या अंडरगारमेंट्स की कंपनी, क्या प्रीमियम सेगमेंट की या ट्रेडिशनल कपड़ों की कंपनियां ग्रोथ करेगी कि नहीं करेगी। तो रोटी का नाम लिया, दिमाग में अपने नेस्ले आ सकता है, ब्रिटानिया आ सकता है, ITC आ सकता है, जुबिलेंट फूड आ सकता है। ध्यान से सोचो इन सब चीजों पे। कपड़ों का नाम लिया, क्या इस पे पेज आ सकता है, क्या मान्यवर आ सकता है, ऐसी ही स्पेंडिंग में टाइटन आ सकता है, क्या नाम उसका। इसीलिए तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां रिटेल आउटलेट खोल रही है, उनको पता है आप जबरदस्त खर्चा करने वाले हो। तो दोस्तों यही रोटी बेसिक पे फूड, रोटी यानी फूड, क्या डीमार्ट का ग्रोथ हो सकता है, क्या रिलायंस रिटेल जो इतने अलग अलग सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं क्या उसका ग्रोथ हो सकता है। शांति से सोचो जरा, घर, घर पे आते हो आप घर में क्या चीजें को यूज कर सकते हो दोस्तों आने वाले टाइम में, क्या टेक्नोलॉजी से सच आपका घर हो सकता है, क्या एसी
ज्यादा पेनेट्रेट होगा, क्या एलईडी टीवी आएंगे, क्या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या ड्यूरेबल गुड्स और आप लोग यूज करोगे, क्या टीटीके को इसका फायदा होगा, सोचना चाहिए दोस्तों हमें, क्या सिरामिक्स हम अच्छी लगाएंगे, कजार या सेरा का नाम याद आ सकता है, पेंट अगर ज्यादा बार करेंगे तो एशियन पेंट जैसी कंपनियों का नाम आ सकता है, वायरिंग होगा तो आपके दिमाग में हेवल्स जैसी कंपनियों का नाम आ सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट दोस्तों, क्यों कहते हैं रिटेल बूम, इनकम ग्रोथ की वजह से दोस्तों। अगर एक समय पे लोग 20-25 लाख की हाउसिंग लोन लेते थे, आज यही हाउसिंग लोन बेसिक 35 लाख कैसे पहुंच गई, क्योंकि आपकी इनकम डबल हुई है दोस्तों। अंदाजा लगाओ क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्या रिटेल फाइनेंस कंपनीज को इसका लाभ होगा कि नहीं आपकी बढ़ती इनकम का, थिंक अबाउट इट, शांति से बैठ के लिस्ट बनाओ दोस्तों, ये जीडीपी पर कैपिटा जो बड़ी है ये हमें किधर ले जाएगी, क्या लोग ज्यादा वैकेशन मनाएंगे, वंडरला का ध्यान आता है दिमाग में, क्या लोग ज्यादा हवाई मुसाफरी करेंगे, क्या लोग ज्यादा ट्रेन में अच्छी ट्रेनों में सफर करेंगे। सो फ्रेंड्स दिस इज योर कॉल, किसी से टिप की जरूरत नहीं है, एक इंडिकेटर जीडीपी पर कैपिटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जब इतना जबरदस्त ग्रोथ दोस्तों, ये 2 साल में 15% एवरेज दोनों साल 15% प्लस का ग्रोथ, अमेजिंग, उम्मीद तो 10% की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते दोस्तों, ह्यूज ग्रोथ इज सीन इन जीडीपी पर कैपिटा एंड दिस कैन चेंज पोर्टफोलियोस दोस्तों। अभी इन्फ्लेशन की वजह से पोर्टफोलियो अफेक्टेड हो सकता है, पर इन्फ्लेशन जिनकी पर चलेगा नहीं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, स्पेंडिंग तो ऐसी ही रहेगी, जस्ट थिंक अबाउट इट वेयर पीपल आर गोइंग टू स्पेंड एंड योर पोर्टफोलियो कुड बूम। 10 साल का सोचो दोस्तों, 1-2 साल का नहीं, आने वाले 10 साल में क्या इफेक्ट आ सकते, लोग टेक्नोलॉजी पे ज्यादा स्पेंड करेंगे कि नहीं, लोग हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड करेंगे कि नहीं, लोग इंफ्रा अच्छा पसंद करेंगे कि नहीं, अब तक ट्रेन में भीड़ में घूमते थे, क्या अब इनकम बढ़ने पे वही चीज पसंद करेंगे कि वो और अपने आप को अपग्रेड करेंगे एयरप्लेन में या अच्छी ट्रेन सुविधा में दोस्तों। जस्ट थिंक अबाउट इट, आपकी चॉइस चेंज होने वाली है, अब ब्रांडेड प्रोडक्ट ज्यादा पसंद करोगे, आप रिव्यू रिलेटेड ज्यादा देखोगे, थिंक अबाउट इट, इंफ्रा कहां जा सकता है, इन सब चीजों से दोस्तों रिटेल किधर जा सकता है, दिस इज योर कॉल। मेरे हिसाब से ये जो जीडीपी पर कैपिटा इतना बढ़िया बढ़ के आया है, इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो भी वो समय पे जब दुनिया की ज्यादातर कंट्रियों का जीडीपी पर कैपिटा गिर के आया हो दोस्तों। इंडिया इज डेफिनेटली अ ब्राइट स्पॉट दोस्तों। इंडिया में अगर और आप डिप देखना चाहो अलग अलग स्टेट्स का दोस्तों, अगर हमने 2 लाख इंडिया की इनकम बताई तो वो इंडिया की है, इंडिया इज अ बिग एलिफेंट, पूंछ देख के कोई बोल सकता है ये एलिफेंट की पूंछ ऐसी हो सकती है, पैर अलग मुंह अलग, आप हाथी को पहचान नहीं सकते, इतना बढ़िया बड़ा है इंडिया, हर स्टेट अलग है दोस्तों, यहाँ पे अपनी गुणवत्ता में रूरल अर्बन में डिवाइडेड है इंडिया, रूरल की अर्निंग 2 लाख नहीं है दोस्तों, रूरल की अर्निंग 1 लाख होगी, एवरेज सिटी की अर्निंग 2 लाख होगी, मेगा सिटी की अर्निंग 4 लाख 8 लाख तक होगी। तो जो लोग मेगा सिटी में रहते हैं उनकी सबसे बढ़िया अर्निंग है, जो लोग रूरल में रहते हैं उनकी कम अर्निंग है, यही प्लानिंग से तो कंपनियां लॉन्च करती है। आपको पता होगा जोमाटो का 90% प्लस टर्नओवर मेगा सिटीज और मेट्रो सिटीज से आता है, क्यों, ये अर्निंग ज्यादा है। रेस्टोरेंट्स के 80% टर्नओवर मेगा सिटीज मेट्रो से आ रहे, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा, अब धीमे धीमे दूसरे शहर जबरदस्त परफॉर्म करेंगे, ई कॉमर्स इंटरनेट आने से दोस्तों सारा भारत एक हो रहा है दोस्तों। चला अंदाजा लगाओ रूरल अर्बन पूरे जगह से जब बिजनेस आएंगे या आपकी कंपनियों को किधर ले जाएंगे दोस्तों। जैसा मैंने बताया दोस्तों रूरल अर्बन मेगा अर्बन की अर्निंग अलग अलग, वैसे स्टेट्स इस प्रकार से दोस्तों डिस्टिंग्विश है दोस्तों। इंडिया की भी सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा की आप स्टेट देखो तो दोस्तों आपके टूरिज्म वाले सिक्किम गोवा टॉप पे आते हैं, आपका कैपिटल अपना दिल्ली, फिर चंडीगढ़, कर्नाटका आपकी आईटी सिटी, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, ये सब टॉप स्टेट्स में आते हैं एज पर 2020-21 डेटा। पर ऐसा नहीं था दोस्तों, जो स्टेट्स ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे ज्यादा फोकस किया वो स्टेट्स ज्यादा ग्रोथ होते जा रहे हैं। ये तो मैंने आपको अभी का डेटा बताया, आप 2004-05 से अगर आज का समय ट्रैक करो तो दोस्तों बहुत डिफर हो जाता है दोस्तों। पिछले 15 सालों के शाइनिंग स्टार स्टेट्स में दोस्तों किन के नाम आने चाहिए, या सिक्किम जो दूसरे नंबर पे दोस्तों टॉप 15 में नहीं था दोस्तों, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट है जिन्होंने जबरदस्त जंप किया है अपने रैंकिंग में दोस्तों। और कुछ तो स्टेट डिग्रेड भी हुए हैं, वो 2004-05 में बहुत बढ़िया कर रहे थे, अभी उनसे आगे दूसरे स्टेट्स निकल गए, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, ये अपने रैंकिंग को इन्होंने बहुत नीचे किया है दोस्तों।
अब ये बता के कोई ऊपर या नीचे बताने का कोई पर्पस नहीं है दोस्तों। अगर कोई स्टेट्स आगे जाता है तो उसके पीछे भी कारण होते हैं, कोई स्टेट्स पीछे जाता है उसके पीछे भी कारण होते हैं दोस्तों। अगर स्टेट्स आगे आए हैं दोस्तों तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की वजह से। आपको बताओगे दोस्तों, कुछ समय पहले सिर्फ 3 करोड़ टैक्स पेयर थे, आज टैक्स पेयर की संख्या भी डबल हो गई है। ये सारी चीजें आपकी जीडीपी को बूम करती है दोस्तों। तो इंडिया साथ चलेगा, सब ग्रो करेंगे तो बहुत आगे जाएगा, और इसका फायदा दोस्तों आपको अपने पोर्टफोलियो में होना है। तो यस, दिस वॉज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया। मुझे आप लोगों के पास से कमेंट में लिस्ट चाहिए, कौन से सेक्टर आपको लगता है ग्रो करेंगे। देखो मैंने बहुत से नहीं बताए, मैंने क्या इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर बताया, नहीं बढ़ेगा क्या? आप दो बोलो मेरे को कौन से सेक्टर बूम करने चाहिए ड्यू टू जीडीपी पर कैपिटा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।